ऐसे ऐसे प्रोग्राम संयुक्त किसान मोर्चा बनाएगा कि इनके चीखें निकाल दी जाएंगी। इस सत्ता की हनक जो है वो किसान उतार के फेंकेगा, और 26 जनवरी को जब ट्रैक्टर परेड करेंगे इस लाल किले में, और ये जो राजपथ का नाम है किसान पथ कहलाएगा। किसान के ऊपर ये आरोप लगा रहा है कि यहाँ नशा चल रहा है, यहाँ पार्टी हो रहा है, यहाँ गांजा पी रहा है, उस मीडिया का क्या करे। एक तो मोदी जी को आगे देखना चाहिए, 60 से ज्यादा हमारे किसान भाई का मौत हो गया यहाँ पे। मेरा नाम साजू अब्राहम है जी। कहाँ से आप? मैं केरला से हूँ। केरला से आया? केरला से। तो इतनी दूर से क्यों आना पड़ा? किसान है? मैं किसान हूँ केरला का, मेरा रिश्तेदार भी इधर रहता है, इस वजह से मुझे आना पड़ा। क्या कहेंगे? इतना ज्यादा किसानों की मौत हो चुकी है, फिर भी सरकार नहीं सुन रही है, क्या कहेंगे? सर ऐसा है, सरकार इसलिए नहीं सुन रहा है, सरकार में घमंड है, और सरकार को ये पता है कि उनको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसलिए आप सबको, इस तरह का हर नागरिक को पता है, हम आजकल ईवीएम का खेल चल रहा है, इस वजह से सरकार की अहंकार है कि वो किसी के सामने, किसान के सामने न किसी आंदोलनकारी के ऊपर सरकार नहीं झुकते, इसीलिए सरकार का अहंकार है। और ऊपर से इसका बहुत बड़ा योगदान ये गोदी मीडिया का भी है, 29 करीब मीडिया को मोदी जी का एजेंटों ने, बीजेपी वालों ने खरीद रखा है। उस व्यक्ति यहाँ आके, आपने भी इतना घूमा होगा, आपने देखा होगा इधर किसी ने एक बीड़ी भी पीते हुए, अब वह किसान के ऊपर ये आरोप लगा रहा है कि यहाँ नशा चल रहा है, यहाँ पार्टी हो रहा है, यहाँ गांजा पी रहा है, उस मीडिया का क्या करे। उस मीडिया ने गाँव जाऊ में जाके अभी रोने लग गया, मीडिया का ऐसा बुरा हालत हो गया, पब्लिक के सामने रोना पड़ गया, हम लोगों को पीटने आ गया, मारने आ रहा है। 2014 से पहले मीडिया विपक्ष से सवाल पूछता था, लेकिन आपको पता है आज का 2014 के बाद विपक्ष, मतलब सरकार से सौदा पूछता था, सॉरी, अभी मीडिया विपक्ष से सवाल पूछता है, वो किस लिए है? कहीं ना कहीं पूरी तरीके से आप कहना चाहते हैं कि मीडिया से मोदी के मीडिया सब इनका, मीडिया, जुडिशरी, ईडीएम सब इनका हाथ में ले लिया, इसका अहंकार है मोदी जी को। नहीं तो मोदी जी को आगे देखना चाहिए, 60 से ज्यादा हमारे किसान भाई का मौत हो गया यहाँ पे, मोदी जी एक शब्द इसके बारे में बोल नहीं रहा है। मोदी जी किसी को, अगर अदानी अंबानी का, इसका बीवी का बर्तन भी बधाई देने जाता है। अब मोदी जी 60 किसानों के बारे में देखो, मेरे जैसे 80-90 साल का जो ये हमारा बुजुर्ग का लोग किसान यहाँ खड़ा है, उसको कह रहा है आतंकवादी है, ये नक्सली है। कहाँ से चाचा? गंदू नगला है, गढ़ तहसील, हापुड़ जिला। हापुड़ जिला से? हाँ जी। कब से आए यहाँ पे? हाँ जी। कितने दिनों से आए? हमारा हो गया 8 दिन। हाँ जी। क्यों आना पड़ा आपको यहाँ पे? अपना अपना दुख बताने के लिए, अपना दुख रोने के लिए आना पड़ा। हमारा जो सरकार है नखलव वाली, इन्होंने, इनका सीएम जो है, इनका जो है मालिक, हमारा मालिक, उनने गंगा जी में खड़ा होकर यूँ कहा किसानों को, भाई मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि मैं 14 दिन में पेमेंट करवाऊँगा, 14 दिन में पेमेंट करवाऊँगा, गंगा जी में खड़ा होकर यूँ कसम खाई। हम कहाँ लो इसका यकीन करें, क्यों ना अपना रोना नाम है यहाँ, क्यों मंदा नाम है, ये अभी तक 14 महीने हो गए पेमेंट नहीं होया। हमारे बालक ये रजाइयों में सो रहे हैं, हमारे बालक, हम सब जो गरीब आदमी है, दो दो चार चार बीघे किसान वाले, हमारे बालक अपने को लपेट का जाडन पड़े हैं, ये जो सरकार सो रही है उसमें इनका कहाँ लो यकीन करें। मोदी ने न्यूकई में जो है अब किसानों की चलेगी बिल्कुल, कारपोरेट का यहाँ कोई चीज नहीं बिकने दी जाएगी, और ना कॉर्पोरेट का कोई मसला, इस सरकार जो मदद करना चाहती है कॉर्पोरेट को, वो होने नहीं दिया जाएगा। तीनों कानून वापस, देखिए दोनों कानून उन्होंने वापस कर लिए, सरकार ने मीटिंग में ये कहा दूसरे कानून हम वापस ले लेते हैं। इनकी क्या वजह है कि दूसरे कानून, जो तीन कानून हैं एमएसपी, तीन कानून हैं जो, वो वापस क्यों नहीं ले रहे? इन्होंने बिजली का संशोधन, उसको कह दिया भाई हम नहीं करते, अभी पराली वाला भी कह रहे हम नहीं करते। तीन कानून जो हैं ये काले, इनमें बस संशोधन क्यों करना चाहते हैं ये? इनकी सोच, इनकी नीति जो है कारपोरेट को सीधा सीधा शरेआम इनको मुनाफा देना चाहते हैं, और बड़ा मुनाफा देना चाहते हैं, किसानों की ज़मीन हड़पना चाहते हैं, और सारा मंडी जो स्ट्रक्चर है इसको ध्वस्त करना चाहते हैं। तो आपके माध्यम से भी सारी जनता, पूरे भारत की जनता को यही
सूचित करना चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा इनके विरोध में लोग आएं, क्योंकि ये खाली किसान प्रभावित नहीं होगा इससे, इनसे हर जनता प्रभावित होगी। हमसे कम से कम में माल खरीदा जाएगा और जनता को ज़्यादा से ज़्यादा रेटों में दिया जाएगा। जमाखोरी होगी, जमाखोरी का देख लीजिए एक अधिनियम है, जमाखोरी इन्होंने बिल्कुल खुलेआम कह रहे हैं भाई जमाखोरी कर सकता है कॉरपोरेट, और कॉरपोरेट ही करेगा, किसी के और बस की बात नहीं है। कल 9वें राउंड की बैठक होनी है 8 तारीख को, तो क्या लगता है कि इस बार कुछ नतीजा निकलेगा? बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब, ये घुटनों पे आज आ जाएंगे। आज जो ट्रैक्टर रैली हो रही है, इनसे इनको ऐसे ऐसे प्रोग्राम संयुक्त किसान मोर्चा बनाएगा कि इनके चीखें निकाल दी जाएंगी। ये जो बैठे हैं हनक में बैठे हैं अपनी, इस सत्ता की हनक जो है वो किसान उतार के फेंकेगा, और 26 जनवरी को जब ट्रैक्टर परेड करेंगे इस लाल किले में, और ये जो राजपथ का नाम है किसान पथ कहलाएगा। भैया सुनियो, जब मोदी जी नु कह रहे हैं हम किसानों के हितैषी से हैं, जितने सांसद हमारे भाई, जितने सांसद वो अपनी अपनी तनख्वाह का पैसा है पहुंचा दे, वो जो डेढ़ महीने से पहुंचे हैं उनकी मजदूरी दे दो, हम टाली थोड़ा ही हूँ भाई, हम तो किसान है घर छोटे बड्डे भाई, उन्होंने भी तो तनख्वाह भाई, तो हमारे नौकर दो दो लाख रुपए तनख्वाह इनकी, और ये नुकह रहे ये तुम्हारे लिए कानून जो हम तुम्हारे हक्का कर रहे हैं। अरे भाई जब तुम जबरदस्ती ठोप रहे काले कानून को, तो हम तो नुकह काला कानून हटा के जो, और भला कितने हिस्से से जो तुम्हें तनख्वाह मिल रही हो दो दो लाख रुपए, यो हमें दे दो। आप लोग कहाँ से? मैं बिजनौर से हूँ, यूपी बिजनौर से हूँ। क्यों आना पड़ा? क्यों आना पड़ा? काला कानून, अबे इतने झूठे प्रधानमंत्री, वो तो कह रहे हैं कि आपकी, अरे तो जब भी तो हम कह रहे हैं भाई, जब इनको कह रहा हूँ हम हितैषी से तुम्हारे किसानों के, भाई अपनी भला तनख्वाह देते हो, अरे हवा बैठाओ, मैं 20,000 रुपये बैठा लो, 20,000 रुपए बैठाऊंगे। मोदी जी नहीं माने बात आपकी, क्योंकि अरे मोदी मानने का जब 26 जनवरी को जाएंगे ना, मुझे कहना ना एक कहाँ जाएंगे 26? संसद पर जाएंगे, जब कैसे जाएंगे? मैं ट्रैक्टर भी जाऊंगे, पैदल भी जाऊंगे, बैरिकेड लगा हुआ है, बैरिकेड एक बार सुन लो, बैरिकेड क्या कर लेगा हमारा, जिस जमीन पे किसान चलेगा, जमीन तो चीज क्या है, आकाश भी थर थर आएगा। क्या कहेंगे सरकार से? हाँ? आप क्या करेंगे? हाँ, जैसा हमारे जवान बालक झंडा फहराएंगे, ऐसे ही हम झंडा फहराएंगे, बस झंडा फहराने या मोदी जी से कुछ कहेंगे? अरे भाई झंडा फहराएंगे, संसद पर अपना झंडा लगाएंगे भाई, जब बस की बात। सरकार से मोदी जी से क्या कहेंगे? मोदी जी तो आने का ही ना, मोदी तो इतना भैंक आ रहा, मोदी तो नुकह रहा भाई, हम तो नुकह भाई, जब तेरे तुम्हारे बस की बात नहीं है मोदी जी, तो हम बुला लो 20 मिनट में, ये काला कानून जैसे हमने रखा ना, यो इधर काले कानून को ऐसे हटा देंगे भाई, अपने दो दो हजार रुपये दो दो लाख तनख्वाह जो इसे भी तो कम करके दिखाइए, वाला कर देंगे, ये हम नु कह रहे हैं, तुम्हारे फायदे का आयो काला कानून, यो काला कानून। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और हाँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें, क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी मास्क है जरूरी।